हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको C50 फ़ोन है, तो पोको C50 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड है, तो हॉटस्पॉट QR कोड को स्कैन करके आप कैसे वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे डिवाइस में, यानी जिस भी डिवाइस से आप स्कैन करते हैं तो उस डिवाइस में आप नेटवर्क को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि हॉटस्पॉट QR कोड स्कैन करके नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करके आप वायरलेस इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं पोको फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही यार आइकन्स ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पर जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड का ऑप्शन है, तो उसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे आप यूज़ करके QR कोड स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको QR कोड हॉटस्पॉट सेटिंग्स पर जाना है। सिंपली जैसे अगर ऑप्शन ऑफ है तो आपको ऑन कर लेना है। ऑन करते हैं तो शेयर QR कोड का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप किसी भी दूसरे डिवाइस के जरिए स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं। सिंपली इस तरीके से आप वाईफाई पे जाते हैं तो वाईफाई पे भी आप स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से स्कैनर का यूज़ करते हैं तो स्कैन करके कोई भी नेटवर्क आप कनेक्ट कर पाएंगे और कनेक्ट करके वायरलेस इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी नेटवर्क कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड डाल देंगे तो नेटवर्क आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ से आप QR कोड स्कैन करके भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और इसका यूज़ भी